ओके गाइस, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं हम ब्रिंजल का पेस्ट, जो ब्रिंजल शूट एंड फ्रूट बोरर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन इसका क्लास और फाइलम सबको पता ही है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका है लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर है इसका लेपिडोप्टेरा, और फैमिली है इसकी पायरेलिडी। और अगर इसके जीनस स्पीशीज साइंटिफिक नेम की बात करें तो साइंटिफिक नेम है इसका ल्यूसिनोट्स और बेनालेस। ये इसका जीनस ल्यूसिनोट्स और इसका जो स्पीशीज है वो और बेनालेस होता है। अब बात करते हैं हम इसके होस्ट प्लांट्स के या इसके पोषक पौधों की। तो इसके जो पोषक पौधे हैं वो जैसा कि ये बैंगन का पेस्ट है या ये ब्रिंजल का पेस्ट कहा जाता है। इसे ब्रिंजल का पेस्ट होने के कारण इसका जो मेन होस्ट प्लांट है वो क्या रहेगा? बैंगन। तो इसके जो अनदर होस्ट प्लांट कौन से हैं? वो सोलनेसी कुल के जो प्लांट्स हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर वर्ल्ड वाइड बात करते हैं तो मलेशिया, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, जर्मनी, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है। और अगर इसकी डैमेज की बात करते हैं कि जो इसका नेचर ऑफ डैमेज कैसा है या ये कितना डैमेज करता है, तो ये क्या करता है बैंगन की फसल के लिए? काफ़ी हानिकारक इंसेक्ट है। और इसकी सूंडी के द्वारा डैमेज किया जाता है या इसका जो लार्वा होता है उसके द्वारा फसल को डैमेज किया जाता है। ये जो प्लांट्स के सॉफ्ट पोर्शन जो होता है, कोमल तने होते हैं या जो फल होते हैं उनको डैमेज करते हैं इसके जो लार्वा स्टेज होती है या जो उसकी सूंडे होती है। ये कोमल जो टहनियाँ होती हैं या तनों में छेद करके सुरंग बना लेती हैं और फिर उसके अंदर चली जाती हैं, और जिससे ऊपर से प्लांट्स मुरझाकर लटक जाता है। तो इस प्रकार जो इसकी जो मतलब हानिकारक जो अवस्था है वो सुंडी या लार्वा अवस्था रहती है। इसका जो मुख्य आक्रमण होता है इस लार्वा का वो तने पर होता है। प्लांट्स के जो तना है जो स्टेम है उस पर इस जो सुंडी या इस लार्वा का या इस इंसेक्ट के लार्वा का अटैक होता है, जिससे प्लांट्स की जो पैदावार है या जो उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। और पौधों में जब फल लगते हैं तो जो अंडों से निकलने वाले लार्वा होते हैं जो सुंडी अवस्था है वो इन फलों को भी डैमेज कर देती है। ये छोटे छोटे फलों के बाह्य दल के अंदर घुस जाते हैं और फिर बाहर से छेद दिखाई नहीं पड़ते। अंदर जाने के बाद बाहर से जो छेद है वो हमें दिखाई नहीं पड़ते, जबकि अगर बड़े फल हो तो उसमें छिद्र बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं। और जो इसकी सुंडियाँ होती हैं जब जो लार्वा स्टेज है वो इस फलों के सारे गूदे को अंदर खाते रहते हैं। और कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि इनमें फंगस का भी प्रकोप हो जाता है या जिसको कहते हैं फफूंद भी लग जाती है, और ये जो ग्रसित फल होते हैं फिर ये उपयोग के लिए नहीं रहते। वर्षा या बसंत ऋतु जब आती है तब इन इंसेक्ट्स का प्रकोप अत्यधिक होता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। एक जो सुंडी है या एक जो लार्वा है वो 4 से 6 फलों को नष्ट कर देती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी लाइफ हिस्ट्री की या इसके जीवन इतिहास की, कि इसमें किस पर कितनी स्टेजेस पाई जाती हैं और ये इंसेक्ट कैसा दिखाई देता है। इसके लाइफ में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं, एग लार्वा प्यूपा, एग लार्वा प्यूपा एंड एडल्ट। ये 4 स्टेजेस पाई जाती है। जनरली क्या होता है हमारे पास इंसेक्ट में दो कंडीशंस पाए जाते हैं, एक में जिसमें इंसेक्ट की लाइफ हिस्ट्री में 3 स्टेजेस और एक में 4 स्टेजेस पाई जाती है। तो ये जो हमारे पास ब्रिंजल का पेस्ट है
इसमें वो स्टेजेस पाई जाती है। और अगर हम एग की बात करते हैं, फर्स्ट फोर स्टेजेस में फर्स्ट स्टेजेस कौन सी है, एग। अगर हम एग की बात करते हैं तो जो फीमेल इंसेक्ट है वो एक एक करके दो या चार के उसमें एग देती है। और एग देती भी क्या है, जो लीव्स के नीचे की सतह होती है ना, वहां पर ये उसकी सतह पर ये एग लेइंग करती है। और अंडे क्या करते हैं, कोमल तने फूलों और फल के बाह्य तल पर दिए जाते हैं, मतलब एग्स कहाँ दिए जाते हैं कि पत्तियों की निचली सतह पर, या फिर जो कोमल तने हैं फूल है या जो कलियां हैं फल हैं उस पर भी एग लेइंग की जाती है। और ये जो अंडे होते हैं, जो एग होते हैं, वो क्रीम की तरह दिखाई देते हैं, जैसे क्रीम होती है ना उस तरह से ही क्रीम की तरह लंबे होते हैं और क्रीम की तरह दिखाई देते हैं। और एक फीमेल इंसेक्ट अपनी लाइफ में 100 से 150 एग्स देती है। और एग्स है, एग का जो हैचिंग टाइम है वो कितना रहता है, 3 से 6 दिन का रहता है। एग हैचिंग का मतलब है कि एग पककर फूट जाते हैं और फिर इनमें से जो इसकी नेक्स्ट स्टेज है लार्वा निकलते हैं। तो जो एग हैचिंग का टाइम है वो 3 से 6 दिन का होता है। नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है हमारे पास, इसका लार्वा या जिसको सुंडी भी कहते हैं। तो जब ये सुंडी अंडे से निकलती है तो क्या करती है, प्लांट्स के जो कोमल तने होते हैं उसमें छेद कर जाती है और उसके अंदर ही चली जाती है। और बाद में जब ये धीरे धीरे विकसित भी होती है तो बाद में ये फूलों को और फलों को भी डैमेज करती है। ये वाइट कलर की सुंडी होती है, आपने कभी गौर से देखा होगा कि जब कभी बैंगन के अंदर कीड़ा निकलता है ना, कि बैंगन खराब है इसमें कीड़ा निकला, तो वो सुंडी निकलती है उसमें से, तो वो क्या होता है एक्चुअल में इस इंसेक्ट की लार्वा स्टेज होती है, जो वाइट कलर की होती है और बाद में येलोश वाइट हो जाती है। ये तो जनरली ऐसे इंसेक्ट जनरली हमने देखे, हमने भिंडी का भी पेस्ट देखा होगा, भिंडी के अंदर कीड़े निकलते हैं, मटर के अंदर निकलता है ना ग्रीनिश कलर की, वो भी क्या होती है इंसेक्ट की सुंडी जो होती है या लार्वा अवस्था होती है। फिर आपने देखा होगा सरसों के साग के साथ भी कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे ये लार्वेज या जो ये सुंडी आ जाती है, या फिर जो चने की फसल है चने की सुंडी को भी आपने देखा होगा। तो ये तो हमारी जो लाइफ की लाइव एग्जाम्पल है कि जो आसपास हमारे सब्जियां या फ्रूट्स या इस प्रकार के जो है प्लांट्स जिसको हम इनके पेस्ट को देख चुके हैं, जो इनकी सुंडी अवस्था है उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये जो सुंडी अवस्था है ये क्या करती है, पूरन जब विकसित हो जाती है तो 18 से 23 mm लंबी हो जाती है। और इसका जो डेवलपमेंट है या इसका जो ग्रोथ है विकास है वो 5 अवस्थाओं में होता है। और गिडार अवस्था 14 से 20 डेज की होती है, मीन्स ये जो अवस्था हमारे पास ये कितनी है, 14 से 20 डेज की होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृमि कोष या प्यूपा की। तो जो पूर्ण विकसित सुंडी होती है वो क्या करती है, फल से बाहर निकलकर पत्तियों के बीच चली जाती है और वहाँ फिर ये क्या करती है, प्यूपा में बदलती है या अपने बाहर कोकून का फॉर्मेशन कर लेती है। और जहाँ पत्तियाँ घिरी होती है ना वहाँ पर क्या करती है, नाव के आकार का, जैसे हमें बोट शेप बोट दिखाई देती है ना, तो बोट शेप में क्या करती है, ये बोट शेप में इस प्रकार से इसकी शेप, अपने लास्ट डायग्राम में भी देखा होगा कि ये बोट की शेप में इस प्रकार से एक बोट की फॉर्मेशन करती है, जो किसका बना होता है, सिलिकॉन कोकून होता है, सिलिकॉन से बनाते हैं कोकून, उसको सिलिकॉन कोकून कहा जाता है। और उसके अंदर ही ये प्यूपा फॉर्म में बदल जाती है। और यह जो अवस्था होती है कृमि कोष अवस्था या प्यूपा जो स्टेज होती है ये 7 to 11 days की होती है, 7 से 11 दिन तक कृमि कोष अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जो ग्रोथ है वो कैसा होता है। जब प्यूपा की जो डेज है 7 to 11 days पूरे होते हैं तो उसमें से एक वाइट कलर का एडल्ट इंसेक्ट निकलता है, जो वक्ष तथा उदर के ऊपरी भाग पर पीले
अथवा काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। इंसेक्ट के उदर और ऊपरी भाग पर काले रंग के या भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं, और इनके पंख कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के पाए जाते हैं, और इन पंखों पर भी ब्राउन कलर के बड़े बड़े स्पॉट पाए जाते हैं। और फीमेल और जो मेल है, दोनों ही कोकून से निकलने के बाद या प्यूपा से जब एडल्ट बनते हैं, तो एडल्ट बनने के जस्ट बाद ये कॉपुलेशन प्रोसेस को करते हैं या मैटिंग क्रिया करते हैं, और फीमेल इंसेक्ट 1 से 2 दिन के बाद ही एग लेना शुरू कर देती है। तो इसका ये देखिए, इसका जो टोटल लाइफ साइकिल है वो कितने टाइम में पूरा हो जाता है, 25 से 39 डेज में पूरा हो जाता है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज रहती है एग, और फिर 3 से 6 स्टेज में हमारे पास फर्स्ट स्टेज जो कि ये डैमेज करने की स्टेज है। ये क्या होती है, सबसे हानिकारक जो कि फसल को डैमेज करती है। फिर 14 टू 20 डेज में थर्ड स्टेज बनती है प्यूपा। कहाँ बनती है, जो पत्तियां गिरी हुई होती हैं उन पत्तियों में झुंडी प्यूपा अवस्था में बदलती है, और 7 से 11 डेज में उसमें से एडल्ट बनकर बाहर निकलते हैं, और मैटिंग क्रिया करने के बाद 1 से 2 दिन के बाद फीमेल इंसेक्ट क्या है, एग लेइंग शुरू कर देती है। तो 1 साल में इसमें कितनी पीढ़ियां मिलती हैं, 5। 1 साल में कितनी जनरेशन, 5 जनरेशन, और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और जब सर्दी का सीजन होता है या विंटर सीजन में, ये हाइबरनेशन अवस्था में ही सुंडी पड़ी रहती है। हाइबरनेशन अवस्था क्या, सुप्त अवस्था, जिसमें ये इनएक्टिव स्थिति में, इनएक्टिव कंडीशन में रहती है। तो विंटर सीजन में या सर्दी में यह लार्वा या जो सुंडी अवस्था होती है, हाइबरनेशन दर्शाती है। और बसंत जब शुरू हो जाता है या जब सर्दी खत्म हो जाती है, तब ये कोशावस्था में या प्यूपा में बदल जाती है, और अगली पीढ़ी को पूरा करने के लिए मार्च अप्रैल में दिखाई देते हैं। जो इंसेक्ट है ये अगली पीढ़ी को कब पूरा करते हैं, मार्च अप्रैल में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। देखते हैं कि किस प्रकार के उपाय या किस प्रकार की प्रिकॉशन रखकर हम इस इंसेक्ट के प्रकोप को कम कर सकते हैं, या फिर अगर प्रकोप हो जाता है तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं। जो ग्रसित फंगी होते हैं या जो टॉप जो पार्ट होता है प्लांट का, उसके अंदर और फल के अंदर सुंडियां रहती हैं, तो उन्हें इकट्ठा करके नष्ट कर देना चाहिए। सेकंड क्या है, यदि खड़ी फसल में इस कीट को हम रोकना चाहते हैं, इसके प्रकोप से बचना चाहते हैं, तो क्यूनिलफास, कार्बोरिल, मालाथियन आदि की ये एक निश्चित मात्रा दी होती है, जिसको पानी की निश्चित मात्रा में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसलों पर छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या है, या तो हम प्रिकॉशन रख सकते हैं कि जो सुंडियों वाले प्लांट्स हैं या जो फ्रूट्स हैं उनको हम डैमेज कर दें, सॉरी खत्म कर दें, नष्ट कर दें, और या फिर जो खड़ी फसल में अगर कीट के प्रकोप होने का हमें रिस्क हो, तो फिर ये जो है इन दवाओं का प्रयोग फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो चिली थ्रिप्स है या मिर्च का जो थ्रिप्स है, जो चिली का पेस्ट है, तो इसकी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या रहता है, थाइसेनोप्टेरा, और जो फैमिली है वो थ्रिप्टिडी। तो ये इसका ऑर्डर और फैमिली है चिली थ्रिप्स जिसको कहा जाता है। और अगर हम साइंटिफिक नेम या जीनस स्पीशीज की बात करें, तो इसका जो जीनस है वो है स्किटोथ्रिप्स, और अगर इसकी जिन स्पीशीज की बात करें तो वो है डॉसेलिस। तो इस प्रकार इसका जो ये क्लासिफिकेशन है, क्लास और फाइलम चलता ही आ रहा है इंसेक्ट का, वो सेम ही है, क्लास फाइलम ऑर्डर फैमिली एंड जीनस स्पीशीज। तो अब हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट की। तो इसका जो होस्ट प्लांट क्या क्या रहता है, होस्ट प्लांट में है नाम ही है चिली थ्रिप्स, तो इसका मेन होस्ट प्लांट क्या रहेगा, मिर्च। नेक्स्ट और जो अदर प्लांट्स हैं, दैट इज मूंगफली, अरंडी, सीम, कपास, आम, अनार, और कई खरपतवार या वीड्स जिन पर ये अपने लाइफ को पूरा करता है, जो इसके होस्ट प्लांट रहते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है या वितरण है वो कैसा रहता है। तो जहाँ पर भी जो मिर्च की पैदावार की जाती है, जहाँ जहाँ भी मिर्च की पैदावार है पूरे देश में, वहाँ पर ये इंसेक्ट को पाया जाता है। और ये अब देखते हैं कि इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार करता है प्लांट को या फसल को, और इसका जो कौन सी अवस्था है जो ये प्लांट को डैमेज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि इसको बहुत भयानक कीट मानते हैं, मिर्च का सबसे भयानक जो पेस्ट माना जाता है, जो फसल की इसकी फसल को खराब कर देता है। तो पौधों की जो सारी सभी अवस्थाओं को क्षतिग्रस्त करता है ये इंसेक्ट है। कभी कभी कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं ना जो स्टार्टिंग फेज में अटैक करते हैं, या फिर वो लेट स्टेज में अटैक करते हैं जब उस पर फ्रूट्स आ जाते हैं या फ्लावरिंग हो जाती है। और ये इंसेक्ट ऐसे है जो प्लांट्स की सभी कंडीशंस को ये क्या करता है, डैमेज करता है। और इसके जो निम्फ और प्रोड होते हैं वो पत्ती को खोज कर निकलने वाले रस को चूसते हैं, पत्तियों क्या करते हैं खोज देते हैं और फिर उसका जो रस निकलता है उसको चूस देते हैं। और पत्तियों पर छोटे छोटे सूक्ष्म आकार के सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं और फूल कलियों और कोमल तनों का रस भी चूसते हैं। और इस कीट के आक्रमण के कारण क्या हो जाता है, पौधों की पत्तियां फूल कलियां और फल सभी क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं और डिसहैप हो जाते हैं और ये विकृत हो जाते हैं ना, विकारित हो जाते हैं, इसमें विकार आ जाते हैं। तो वो जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो जाती है, प्लांट्स की ग्रोथ भी रुक जाती है। और इस प्रकार जो प्लांट्स अगर ग्रोथ नहीं होगी तो नेचुरल सी बात है कि वो प्लांट्स सूख जाएंगे और प्लांट्स की जो ये फसल है वो खराब हो जाती है। और ये पूरे वर्ष भर ही सक्रिय रहते हैं और सूखे वाली स्थिति में जब सूखा हो या पानी की कमी हो जाती है तो इस इंसेक्ट का प्रकोप है वो अधिक रहता है। और वर्षा में इस कीट की जब रेनी सीजन आता है तो इस इंसेक्ट की संख्या कम हो जाती है। और मिर्च की में जब वायरल इन्फेक्शन जो होता है, जो वायरल या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए भी इस इंसेक्ट की मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसा होता है, कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं। चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग, निम्फ, प्यूपा और प्रोब। अब पहले हमने देखा था कि निम्फ के बाद एडल्ट बनता है, इसमें क्या कंडीशन है, हमारे पास निम्फ, निम्फ के बाद प्यूपा एंड देन प्रोब। तो जब हम बात करते हैं एग, एग क्या होता है, जो फीमेल इंसेक्ट द्वारा पत्ती की कोशिकाओं में दिए जाते हैं और किस प्रोसेस से दिए जाते हैं, अनिषेक जनन द्वारा, जो ना पार्थोजेनेसिस के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। और प्रतिदिन फीमेल इंसेक्ट 4 से 6 अंडे और अपनी पूरी लाइफ में ये 50 to 60 एग देती है। और एग हैचिंग का जो टाइम है वो 8 to 9 days रहता है, 8 to 9 days में निम्फ बन जाता है। सेकेंड जो स्टेज की बात करते हैं निम्फ एंड प्यूपा, तो जो अंडे से जो निकलता है निम्फ वो बहुत छोटा होता है बट अधिक एक्टिव रहता है, काफ़ी एक्टिव होता है वो निम्फ। 4 से 6 दिन के टाइम के बाद दूसरी बार निर्मोचन क्रिया करता है और कुछ समय के लिए पूरा प्यूपा अवस्था की स्थिति में पत्ती या फूल के आधार पर ही रहता है। और फिर पूरा प्यूपा और प्यूपा अवधि मीन्स पहले क्या करता है, ये 2 बार निर्मोचन कर पूरा प्यूपा अवस्था मतलब प्यूपा बनने से पहले की स्थिति में रहता है और फिर प्यूपा की फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो टाइम ही रहता है पूरा प्यूपा और प्यूपा की अवधि पूरी वो 2 से 3 दिन तो क्या रहता है पूरा प्यूपा की अवधि और 5 दिन तक रहती है प्यूपा की अवधि, मीन्स लगभग 8 दिन तक इस स्थिति में दोनों स्टेजेस बन जाती हैं, पहले निम्फ, निम्फ के बाद प्यूपा, क्योंकि जो निम्फ है वो अपने बाल एक कोट बना लेता है, कोटिंग कर लेता है जैसे प्यूपा कहा जाता है। तो प्यूपा अवस्था में रहता है लगभग 5 दिन तक और देन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये प्रोड या एडल्ट में। तो इसका जो प्रोड होता है वो सूक्ष्म आकार का होता है,
लंबा और या काले पीले रंग का होता है। और ये क्या करता है, मुड़ी हुई जो पत्तियां होती हैं या फूलों के अंदर रहता है। कहाँ रहता है, मुड़ी हुई पत्तियों में या फूलों के अंदर रहता है। इसका शरीर लगभग 10 mm लंबा होता है, मतलब ये इंसेक्ट 10 mm लंबा होता है। और इसके जो प्रोड है के पंख कैसे होते हैं, कटे हुए होते हैं, प्रोड के पंख कटे हुए होते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कि लाइफ साइकिल में कितनी कैसा कौन सा मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है और किस प्रकार ये स्टेजेस को पूरा। देखते हैं पहले एग, एग में क्या होता है हमारे पास, एग से फर्स्ट स्टेज, फिर सेकेंड हमारे पास क्या बनती है, 8 से 9 दिन में हमें निम्फ बन जाता है, ये एक स्टेज हो जाती है और ये हमारे पास सेकेंड स्टेज। और थर्ड में कौन सी स्टेज है, प्यूपा, जो कि 4 से 6 दिन में बनता है। और प्यूपा 3 to 6 days, मतलब प्यूपा की जो अवस्था है वो लगभग 5 days की होती है। और प्यूपा से 5 से 6 days के अंदर एडल्ट बन जाता है। और लाइफ साइकिल 20 से 25 days में पूरा होता है। और इसमें कई ओवरलैपिंग स्पीशीज, ओवरलैपिंग जनरेशंस पाई जाती हैं, मीन्स एक पीढ़ी और फिर दूसरी पीढ़ी के केस में पार्थोजेनेसिस द्वारा एक्लेन की जाती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कंट्रोल की या इसके मैनेजमेंट के, किस प्रकार से हम इसको मैनेज कर सकते हैं या क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। एक तो की जो मिर्च की प्रतिरोधी जातियां या प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। सेकेंड है कि ज्वार के बाद मिर्च की फसल नहीं बोनी चाहिए, प्याज और मिर्च भी साथ साथ नहीं, खेती नहीं करनी चाहिए। तो ये एक तरह से प्रिकॉशंस है, जब हम मिर्च की खेती करते हैं तो कब और कौन सी फसल के साथ नहीं करनी चाहिए। और फसल पर 5% कार्बोरल डस्ट का 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करना चाहिए। और अगर हम ये नहीं करते तो निम्न जो प्रकार से दी हुई दवाइयाँ हैं, एमिडा क्लिप्रेट, स्पाइनोसेड, मिथोमिल आदि की जो ये सीमित मात्रा निश्चित मात्रा दी है उनका पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार ये क्या था, इसका चिल्ली का या जिसको कहते हैं मिर्च का पेस्ट था। और नेक्स्ट हम करेंगे डायमंड बैक मॉथ, जो कि फूलगोभी और पत्ता गोभी का पेस्ट है। तो ये हम करेंगे डायमंड बैक मॉथ, हीरक प्लस शल्क ऑर्डर नेपिडोप्टेरा से बिलोंग करते हैं, फैमिली प्लूटिलिडी। और साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो जाइलोस्टेला इसका जीनस और मैक्यूलिपेनिस स्पीशीज का ये मॉथ होता है। और अब देखते हैं कि इसका जो होस्ट प्लांट्स हैं वो कौन कौन से हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, सरसों और बैंगन के कुल के अन्य पौधे। तो ये सभी क्या इसके होस्ट प्लांट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी कौन सी स्टेज है जो डैमेज करती है और इसका जो डैमेज है वो किस प्रकार होता है। तो इस जो मौत की या जो शल्ब होता है, इस मौत की जो सुंडी अवस्था होती है, मीन्स इसका जो लार्वा होता है, लार्वा स्टेज के है जो फूल गोभी और पत्ता गोभी की पत्तियों को खा जाती है और उसको नष्ट कर देती है। फूल गोभी और पत्ता गोभी की जो बीच वाली पत्तियां होती हैं या उसका जो हेड रीजन होता है उसको सबसे अधिक हानि पहुंचाई जाती है। और पौधों की स्टार्टिंग स्टेज से लेकर जब अगस्त सितंबर में इनका सीजन शुरू होता है ना, गोभी की पैदावार होती है, तो इन महीनों में इन इसका जो सुंडी का प्रकोप बहुत अधिक होता है। और कभी कभी तो इतना प्रकोप हो जाता है कि पूरी की पूरी नर्सरी ही नष्ट हो जाती है।
और प्राइमरी स्टेज में जो लार्वा होते हैं वो पत्तियों के नीचे की सतह पर सुरंग बना लेते हैं, यानी कि पत्तियों के नीचे सुरंग बना लेते हैं और फिर अंदर जाकर उसको खाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि बड़ा होकर यह पत्तियों में ही छिद्र बनाकर अंदर ही उसके जो ग्रीन पोर्शन होता है उसको खाते रहते हैं और जो पैदावार है उसमें कमी हो जाती है। आपने गोभी का कीड़ा भी देखा होगा, है ना? गोभी में भी कई बार जो निकलते हैं ना कीड़े होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे जो सुंडियां होती हैं या जो उसका लार्वा है वो क्या होता है, गोभी का जो पेस्ट है उसका ये लार्वा ही हमें गोभी की बीच में जो छोटे छोटे सुंडियां मिलती हैं वही होता है जो इसका पेस्ट होता है। तो ये बहुत सारे तो एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हमने अपने फ्रूट सब्जियां जो घर में आते हैं उनमें देख ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, चार अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक एग, सेकेंड लार्वा या जिसको सुंडी अवस्था कहते हैं, थर्ड इसका प्यूपा और लास्ट वन इज एडल्ट। तो जब एग की बात करते हैं तो एग इसके कैसे होते हैं, छोटे और पीले रंग के एग होते हैं जो एक एक करके 2 से 40 के समूह में दिए जाते हैं। एग कहाँ दिए जाते हैं, पत्तियों की नीचे की सतह पर एग ले की जाती है और जो फीमेल है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में 18 से 356 तक एग देती है और इसका जो हैचिंग टाइम होता है, हैचिंग का टाइम वो 3 से 9 दिनों तक होता है कि 3 से 9 दिन के अंदर ये एग पककर फूट जाता है और उसमें से सुंडी बाहर निकल जाती है, जो लार्वा है वो बाहर निकल जाता है। सेकंड फेज होती है इसकी लार्वा या सुंडी, जो एग से लार्वा निकलता है वो पत्तियों के जो नीचे की सतह पर एग दिए जाते हैं वहां पर लार्वा फूम बनती है, लार्वा निकल जाता है एग से और फिर निचली सतह पर सुरंग बनाकर अंदर खाता रहता है। और फर्स्ट और जो सेकंड इंस्टार लार्वा होता है, सेकंड इंस्टार लार्वा तक ये सुरंग के अंदर ही रहता है, जबकि जो थर्ड इंस्टार बनता है तो थर्ड इंस्टार सुरंग के बाहर की पत्तियों को भी डैमेज करना शुरू कर देता है। 2 इंस्टार तो सुरंग के अंदर रहते हैं और थर्ड बाहर की पत्तियों को भी खाना शुरू कर देता है। और जो फोर्थ इंस्टार लार्वा होता है वो पत्तियों की निचली सतह पर खाता रहता है और केवल क्यूटिकुलर सतह को छोड़ देता है, जिससे जो पत्तियां हो जाती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और पारदर्शी दिखाई देने लग जाती हैं। और ये जो सुंडी है वो 8 से 16 दिन में पूरी तरह से विकसित हो जाती है और जिसकी लंबाई लगभग 8 मिलीमीटर लंबी हो जाती है। अभी पीछे हमने डायग्राम में देखा ना कि किस प्रकार की सुंडियां होती हैं इंसेक्ट की। हम वैसे भी हमने सब्जी और फ्रूट्स में देखा ही, अब हमारे घरों में भी ऐसे जो आते हैं सुंडी जो होती है वो एक्चुअली इंसेक्ट का लार्वा ही होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी कृमि कोष की, या जो इसका प्यूपा जो होता है, तो प्यूपा जो बनता है वो परिवर्तित कब होता है, जब ये विकसित सुंडी पहले अपने बाहर कोकून बना लेती है जिसे कृमि कोष कहते हैं और उस कोकून में रहती है, तो वो जो स्थिति होती है वो प्यूपा कहलाती है। और जो ये प्यूपा जो ये लार्वा अपने बाहर कोकून बनाता है वो दोनों सिरों से खुला होता है और पत्तियों से जुड़ा रहता है। ये एक स्पेसिफिक रेप्रेजेंटली क्या होता है, जो कोया या कोकून होता है वो बंद बनाया जाता है, लेकिन इस लार्वा के द्वारा कैसा बनाया जाता है, जो दोनों तरफ से खुला होता है और पत्तियों से जुड़ा रहता है। और जो लार्वा है या जो सुंडी है वो इस कोकून के अंदर कोशावस्था में रहती है और यह कोशावस्था 2 से 5 दिन की होती है। तो लास्ट जो स्टेज होती है वो हमारे पास प्रोट, जो एडल्ट है वो इस कीट के एडल्ट केवल 20 डेज तक जीवित रहते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है वो सितंबर अक्टूबर में पूरा हो जाता है और लगभग कितने दिन में पूरा होता है, 15 से 18 दिन में पूरा हो जाता है। इसकी क्या होती है, कई इसकी जो जनरेशन है 1 साल में कई जनरेशन मिलती हैं और इसकी जो लाइफ है
वो 16 से 32 दिन में पूरी हो जाता है, पूरा साइकिल कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। और इसके जो प्रौढ़ है या एडल्ट है वो 8 से 12 मिमी लंबे ब्राउन कलर के होते हैं, और अगली अगली जो एक जोड़ी पंखों के होते हैं उस पर व्हाइट कलर के स्पॉट पाया जाता है। और अगर ये विश्राम की अवस्था में होते हैं तो ये हीरे के जैसे दिखाई देते हैं। और शाम के टाइम में मैटिंग करने के बाद जो फीमेल इंसेक्ट है वो 1 से 2 दिन के बाद ही एगलिंग शुरू कर देती है। लास्ट में हम बात करते हैं इसके कंट्रोल या नियंत्रण की या इसके मैनेजमेंट की, कि क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए हमें इसकी बुआई के टाइम में, या किस प्रकार की दवाएं हैं जो हम इसके प्रकोप के लिए प्रकोप से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या देखते हैं कि टमाटर के साथ 1:1 के अनुपात में सह फसली खेती करने से कीट का प्रकोप कम हो जाता है। मीन्स टमाटर के साथ सह फसली खेती करनी चाहिए। और सरसों को ट्रैप क्रॉप के रूप में 20:1 के अनुपात में मुख्य फसल की रोपाई के कम से कम 10 दिन पहले उगा देते हैं, तो इस कीट के जो एग है वो सरसों पर दिए जाते हैं। मीन्स पहले सरसों की बुआई कर देते हैं ना, और 20:1 के अनुपात में तो जो एगलिंग होगी वो किस पे हो जाएगी, मस्टर्ड प्लांट पर हो जाती है, जिससे जो गोभी की फसल है वो सेफ रहती है। और डेल्टा स्टकी ट्रैप, फिरोमन ट्रैप जिसे कहते हैं, 1 हेक्टेयर में 12 ट्रैप लगाए। फिरोमन ट्रैप्स क्या होते हैं, चिक अट्रैक्शन से ये जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट होकर ट्रैप के पास आ जाते हैं और फिर उसको हम नष्ट कर सकते हैं। और अगर उसके प्रकोप से बचने के लिए इस इंसेक्ट के इस मौत के ल्यूफ्रॉन, इंडोस्कार्वार, स्पाइनोस्ट, थायोडिकार्फ, नोवालूरान और क्यूनलफास ऐसी जो दवाएं हैं उनकी ये निश्चित दी हुई निश्चित मात्रा को पानी में मिलाकर पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। इस प्रकार इस इंसेक्ट को प्रकोप से बच सकते हैं। और इसके जो परजीवी कीट है उनको भी यूज कर सकते हैं, परजीवी कीट को यूज करके इनकी जो संख्या है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है।